नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। ससुराल गए दामाद की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत। यूपी के संत कबीर नगर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां ससुराल गया युवक की रहस्यमय परिस्थितियों में हालत बिगड़ी तो दोस्तों को फोन कर बुलाया। युवक की हालत गंभीर देख दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल में पहुँचने के बाद युवक ने ससुरालियों पर जबरन जहर पिलाने का आरोप लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर के न्याय की गुहार लगाई है, पर स्थानीय पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम भी साबित हो रही है। दरअसल पूरा मामला खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के बडेला गांव का है। यहां मृतक दीपक कुमार की शादी जुगना गांव में जगराम चौधरी की बेटी रीना के साथ 2012 में हुआ था। मृतक के परिजनों ने बताया कि शादी के कुछ ही दिन के बाद दीपक और उसकी पत्नी में अक्सर विवाद हुआ करता था। किसी बात को लेकर के 6 दिसंबर की रात दीपक अपने ससुराल जिगना चला गया। रास्ते में लौटते हुए दीपक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाया और बताया कि उसे जहर दिया गया है। पूरी बात समझते ही दोस्तों ने उसे तत्काल स्थानीय अस्पताल लेकर के पहुंचे। हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने युवक को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत से पहले दीपक ने अपना वीडियो में बयान दिया कि सोशल मीडिया पर यह वायरल कर दिया, जिसमें मृतक ने अपने ससुर और साले को जबरन कट्टा सटा करके जहरीला पदार्थ खिलाने की बात कही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। दीपक की मौत के बाद उसके पिता ने कोतवाली खलीलाबाद में लिखित नामजद तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मामले को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय कोतवाली ने IPC एक्ट की धारा 302 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लगातार मृतक के परिजनों को ससुराल की तरफ से धमकी मिलने से पिता सदमे में है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने तो मुकदमा दर्ज कर लिया है, पर हमारे परिवार को धमकियां निरंतर मिलती जा रही हैं। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने में जहमत नहीं कर रही है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। पूरा मामला क्या है? ऐसा है, पहले से दोनों में कुछ झगड़ा बवाल चलता था, आपस में रंजिशें चलती रहती थी। तो ये जो है 6 तारीख को इन लोगों में कुछ अपना आपस में हुआ, तो जो है ये फ़ोन करके अपने मायके को सारी बात बताई। उसके बाद जो है मायके वालों ने जो है इसे कहा कि उसको भेजो यहाँ। तो ये लड़का जो है वहाँ पर गया। जब गया तो कुछ बातचीत हुई, तो उन लोगों ने इनके कान पे जो है बंदूक सटा करके और बोला कि जो है तुमको अब नहीं रहना है। और इनके पिताजी जो है सल्फास की गोली सामने लेकर के आए, तो उनके भाई ने बोला कि सल्फास की गोली खाओगे या बंदूक की गोली खाओगे। तो इसने सोचा कि बंदूक की गोली खाने से हमारी तुरंत डेथ हो जाएगी, और सल्फास की गोली खाने से हो सकता है अस्पताल में जाएं हम बच जाएं। लास्ट में उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था हम लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, कि उन्होंने यह भी धमकी दिया कि आज तुमको ये ऐसी स्थिति पर ला रहे हैं, मार डाल रहे हैं, कल तुम्हारे पिताजी की भी यही हाल होगी। ऐसा उन लोगों ने बयान दिया। इसमें पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? ये प्रकरण थाना खलीलाबाद चौकी कांटे अंतर्गत था, जिसमें थाना स्तर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर में इसका पंचायतनामा और PM किया गया था। वर्तमान में इसमें पंचायतनामा और जो PM किया गया, तो उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है और विवेचनाधीन है। जो भी साक्ष्य इसमें संकलित किए जा रहे हैं, उनके आधार पर, गुण दोष के आधार पर विवेचना को निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष के लोग लगातार दबाव बना रहे हैं। इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं, परंतु इसमें जो भी है गुणात्मक आधार पर निष्पक्ष विवेचना संपादित की जा रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? इसमें हम लोग सभी साक्ष्यों का परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षण के आधार पर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई संपादित की जाएगी।